हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो अगेन। सो फाइनली नई वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में गाइस डिस्कस करेंगे शेयरली कंपनी कप डोज दे आर सीरप से रिलेटेड। इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या इसकी MRP है, किस टाइप की प्रॉब्लम के लिए ये सीरप यूज़ की जाती है, इससे जुड़ी हर जानकारी आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो आप एंड तक देखिए, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन से प्रेस जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को एक्सप्लेन कर देते हैं शेयरली कंपनी कप डोज बीआर सिरप किस लिए बनाई गई है, किस टाइप की प्रॉब्लम के लिए इस सिरप को आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये सिरप देखा जाए तो खासतौर पे यूज़ की जाती है कफ डिजीज़ के लिए। अगर किसी पेशेंट को कफ डिजीज़ देखी जा रही है, साथ ही उसको म्यूकस आ रहा है, जैसे कि इसको नोज में म्यूकस देखी जा रही है, लाइक उसके विंड पाइप में म्यूकस देखी जा रही है, पेशेंट को जैसे कि जो लंग्स है उसमें अगर म्यूकस देखा जा रहा है, पेशेंट को जैसे कि रनिंग नोज देखी जा रही है, स्नीजिंग देखी जाती है, पेशेंट को आइस वाटरिंग हो रहा है, लाइक पेशेंट को जैसे कि जैसे बात करें एक ईचिंग जैसे देखी जा रही है, जैसे कि खांसी जुकाम और जैसे कि नज़ला हो गया है, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव ये सीरप है। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो आती है 85 रुपीज़ की, जो कि दोस्तों ये आती है 100 ml में। और आपके जो नज़दीकी एलोपैथिक फार्मेसी से वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। और इस सीरप को कैसे यूज़ कर सकते हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम देखी जाती है, तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, जो कि एडल्ट है तो एडल्ट इसकी 5 ml यूज़ करें, और दोस्तों अगर बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम देखी जा रही है तो उसके लिए 2.5 ml यूज़ करें, जो कि गर्म पानी से दे सकते हैं। इसको एक दिन में 1 से 2 बार यूज़ करें। जितना आप इसको गर्म पानी से देंगे उतना अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। इसमें आपको गाइस क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं अगर आप इस सिरप को यूज़ करना चाहते हैं, तो दोस्तों जो कि वोमेन प्रेग्नेंट है, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग है, मदर है, वो इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और दोस्तों जिनके लीवर में प्रॉब्लम है, जिनके किडनी में प्रॉब्लम है, तो वो इसको यूज़ करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। और दोस्तों अगर इसके हम साइड इफेक्ट की बात करें, अगर आप इसको ज़्यादा लेते हैं तो उसके का आपको दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें दोस्तों जैसे कि आपको डायरिया लग सकते हैं, वॉमिटिंग देखी जा सकती है, नोइसे देखी जा सकती है, स्टोमिक पेन देखा जा सकता है। गाइस सिरप के आपको कुछ और भी साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, तो इसको ज़्यादा बिल्कुल भी यूज़ ना करें। जैसे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है इसको अवॉइड करें। सो दोस्तों मैंने स्टोनिक के इस सिरप की आप सभी कंप्लीट नॉलेज दे दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो शेयर भी कर दें, और अगर चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन से प्रेस जरूर करें। और इस वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।